एक से लेकर हम लोग, एक से लेकर हम लोग इधर चार पत्थर गाएंगे और सात से लेकर आठ पत्थर गाएंगे। एक से लेकर चार पत्थर और सात से लेकर आठ पत्थर हम लोग गाएंगे। पुनरुत्थान के सुंदर भोर को दे और आत्मा मिलेंगे, फिर ना सुखो हम रोना सुनेंगे, थोड़े कालों दे जब अलग धूल में मिलकर लेती चैन, सोई रहती जब तक नहीं बीत जाए रैन, थकित हो शरीर सुस्ताता पांव को करके पूर्व की ओर, जब लो ना पुनरुत्थान की होवे भोर, आत्मा भी अब समय काटता दीनता से कर बीनती ध्यान, कैसा हर्षित हो गीत गावे देख बीना। सात और आठ पद को परम पुनरुत्थान की भोर को गौर से मृतक उठेंगे, माता पिता बालक भाई मिलेंगे, उस दिन के प्रेम हस में हमको ईसु भाजी कर कुशल से हम हृदय पार हो क्रूस को धर। सभा सभी खड़े हो जाएंगे जैसा जिनको बनता है, हम सभी खड़े हो जाएंगे। पिता पुत्र और पौत्र आत्मा के नाम से आमीन। निश्चय प्रभु जी उठा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्म ठहराए जाने के लिए उठाया गया। ख्रीस्त मृतकों में से जी उठा और उन्हों का जो सो गए हैं पहला फल हुआ। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, हे परलोक तेरी जय कहाँ। प्राण तो ईश्वर का धन्यवाद होवे जो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम भजन संहिता के 16वें अध्याय से प्रार्थना करें। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए मात की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा क्योंकि तू मेरे प्राण का अधोलोक में ना छोड़ेगा ना अपने पौत्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा
तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ सामर्थ्य परमेश्वर और उसी विश्वास के साथ में कि सचमुच में तो हमारे हाँ विलाप को तो आनंद में बदल देता है, हमारे शोक को आनंद में बदल देता है, हमारे निर्बलताओं को सामर्थ्य में बदल देता है। प्रभु एक बार फिर से हाँ परमेश्वर पिता इस नई भोर में हम परमेश्वर आपके चरणों के पास आए हैं ताकि एक बार फिर से हम आपके सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अपने परिवार में अधिकाई से देख सकें। हाँ महान परमेश्वर एक बार फिर से हमारे मद में तो आ और हमें के जीवन को तो ग्रहण कर और उस पुनरुत्थान की आशीष तो अधिकाई से प्रदान कर। इस समय जब आपके वचन में से हम सुनना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, वचन की भेद की बातों को प्रकट कर, एक एक मनो को तो खोल दे प्रभु, एक एक हृदय को तो परमेश्वर पिता तैयार कर ताकि इस समय एक एक मन और ध्यान केवल और केवल आपके ओर लगा रहने पाए और इस पुनरुत्थान की आशीष को हम एक एक जन अधिकाई से प्राप्त करने पाए। अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरे तुच्छ मुख के साथ होकर तो बातचीत कर, मेरे मुख से निकलने वाली वाणी हाँ परमेश्वर मेरी बातें नहीं, मेरी समझ नहीं, मेरी तैयारियां नहीं प्रभु, लेकिन आपकी बातें और आप ही की योजना अधिकाई से पूरी होने पाए। सारे पापों को क्षमा कर धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग आज के लिए हम लोग उपदेश वचन को हम लोग सुनेंगे जो हम सबों के लिए मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16वें अध्याय पद 1 से लेकर 8 पद तक उपदेश वचन हम लोग सुने। मरकुस 16 पद 1 से लेकर 8 पद तक प्रभु का वचन इसमें यूं कहता है, यीशु का पुनरुत्थान। मार्क 16:1-8, जब सप्ताह का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सालोमी ने सुगंधित वस्त्र में मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था तो वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी। यही तय कामिन सभा थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। एक बार फिर कर मसीह में प्रियो उद्धारकर्ता यीशु के नाम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु को धन्यवाद कि आज के इस पुनरुत्थान कबर गिरजा आराधना के नाम हम एक एक को एक दूसरे के साथ में जोड़ने पाया है मेरे प्रियो, ताकि एक बार फिर से मेरे प्रियो हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ को पुनरुत्थान की आशीष को मेरे प्रियो हम एक एक जन हम अपने जीवन में देख सकें, अपने परिवार में देख सकें मेरे प्रियो, और एक आशा भरा जीवन, एक सामर्थ भरा जीवन को हम जी सकें। हाँ मेरे प्रियो, पुनरुत्थान इसी बात का मेरे प्रियो सबूत है मेरे प्रियो कि सचमुच में उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने शैतान के सामर्थ को अपने क्रूस के तले मेरे प्रियो कुचल दिया है। जब हम रोमी उसका 16 उसका 20 पद में देखने पाते मेरे प्रियो से पहले कि परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के तले कुचलवा देगा। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे पांव के तले शैतान को कुचलवा देगा। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने शैतान को मेरे प्रियो कुचल दिया है, शैतान के सामर्थ्य को मेरे प्रियो नष्ट किया है। और मेरे प्रियो आज हम मनुष्यों के लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने एक सामर्थ्य भरा जीवन को दिया है, एक आशीष भरा जीवन को दिया है मेरे प्रियो। और जब हम उस विश्वास के साथ में, उस आशा के साथ में कि यीशु हमारे जीवन का उद्धारकर्ता है, यीशु हमारे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर है, हमारे शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे रोगों को वो चंगाई में बदलने वाला परमेश्वर
है, हमारे बीमारियों को वो चंगाई में बदलने वाले परमेश्वर है, हमारे श्राप को आशीष में बदलने वाले परमेश्वर है, हमारे निर्बलताओं को सामर्थ्य में बदलने वाला परमेश्वर है। और जब उस विश्वास के साथ में मेरे प्रियों जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए हम लोग देखने पाते हैं। मेरे प्रियों जब हम मत्ती 28 उसका 6 पद को जब हम लोग देखते हैं, वहां पर वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार हमें प्रभु तीसरे दिन मृतकों में से वो जी उठे। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार वो मृतकों में से वो जी उठे। मेरे प्रियो, जैसा उन्होंने कहा था कि निश्चय मैं तीसरे दिन में मैं जी उठूंगा, वो कब्र में से जी उठे मेरे प्रियो। और रोमी 6 और उसका जब 9 पद को देखते हैं मेरे प्रियो, वहां भी वचन कहता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है और वो फिर मरने का नहीं, मृत्यु की सामर्थ उन पर प्रबल नहीं हो सकती। हाँ मेरे प्रियो, वो मृतकों में से जी उठा है और एक बार फिर से हाँ मृत्यु उन पर प्रबल नहीं हो सकती है। मसीह में प्रियो, यदि आज के समय में अगर सबसे भयंकर बातें हैं जो हमें जीत सकती है तो वो है मेरे प्रियो मृत्यु। सबसे भयंकर बात मेरे प्रियो जो आज हमें जीत सकती है वो मृत्यु, लेकिन मेरे प्रियो पुनरुत्थान उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है मेरे प्रियो, उस मृत्यु से भी हाँ मेरे प्रियो शक्तिशाली है पुनरुत्थान मेरे प्रियो। और नीचे उस पुनरुत्थान में कब्र की सामर्थ को यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से तोड़ दिया है। और ये इस बात का आशा है मेरे प्रियो कि भविष्य में आपके लिए, हमारे लिए भी मेरे प्रियो अनंत जीवन की आशीषें हैं, आपके लिए छुटकारा भरा जीवन है मेरे प्रियो। जब मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी सेवा के लिए आते हैं, उसकी महिमा के लिए आते हैं मेरे प्रियो, तो जैसा हम सोचे नहीं है, जिन बातों का हम कल्पना नहीं किए हैं मेरे प्रियो, जैसा 1 कुरिन्थ 2 अध्याय उसका 9 पद में वचन कहता है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी है, जो बातें कानों ने नहीं सुनी है और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही है जो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ठहराया है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, जब हम यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, जब हम यीशु मसीह के निकट आते हैं मेरे प्रियो, हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं मेरे प्रियो। और सचमुच में आज के वचन में भी हम ऐसी ही बातों को देखते हैं कि मेरे प्रियो सप्त का दिन बीत गया, जो शनिवार था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर कब्र पर रखा गया था, जब वो सप्त का दिन जो शनिवार था मेरे प्रियो जब वो बीत गया, तो मरियम मगदलेनी और याकूब की माता मरियम और सलोमिनी सुगंधित वस्त्र मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को जब सूरज निकला ही था, अर्थात मेरे प्रियो आज के सुबह में रविवार के दिन सप्ताह के पहले दिन मेरे प्रियो जब सूरज निकला था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, क्योंकि पत्थर बहुत भारी था। हाँ मेरे प्रियो, बहुत बड़ा था। और मेरे प्रियो उस पत्थर को हाँ मेरे प्रियो सैनिकों ने वहाँ पर लगाया था। हाँ मेरे प्रियो पिलातुस ने, हाकिम ने आज्ञा दिया था कि वो बड़ा पत्थर को लगाए ताकि यीशु के चेले उसे हटा ना सकें और यीशु के शव को वे लोग चुरा के ना ले जा सकें। हाँ मेरे प्रियो, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो माता मरियम मगदलीनी, याकूब की माँ की माता मरियम और मेरे प्रियो सालोमी ने, जब इस आशा के साथ में कि वो यीशु मसीह के देह का सेवा कर सकें, उसे सुगंध द्रव्य लगा सकें, मेरे प्रियो वो पत्थर लुढ़का हुआ है, वो द्वार खुला हुआ है मेरे प्रियो। सचमुच में मेरे प्रियो आज इस बात को ये दिखाता है, आज ये इस बात को दिखाता है मेरे प्रियो कि सचमुच में यीशु मसीह मेरे प्रियो आज आपके लिए, हमारे लिए मेरे प्रियो हर रेत मेरे प्रियो दरवाजा को आज आपके लिए खोलने के लिए आज मेरे प्रियो तैयार है। हाँ मेरे प्रियो, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया, वही सामर्थ्य मेरे प्रियो आज आपके लिए और हमारे लिए भी मौजूद है। हम प्रियो इस बात को हम आशा रखें, हम इस बात पर विश्वास करें कि जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही सामर्थ्य आज आपके लिए भी मेरे प्रियो आज मौजूद है। और वही परमेश्वर आज पापों से मृतक लोगों को आज धार्मिकता में आज नया जीवन दे सकता है, आज एक नया जिंदगी दे सकता है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में, आज हमारे परिवार में भी मेरे प्रियो नाना प्रकार की आज समस्याएं हैं, आज नाना प्रकार की आज मेरे प्रियो आज बीमारियां हैं, नाना प्रकार के मेरे प्रियो
आज समस्याएं हैं मेरे प्रियो, जो आज हम एक को उस बड़े पत्थर के जैसा आज लगता है मेरे प्रियो, कि वो हमारे जीवन से कैसे हटेगा, हमारे परिवार से कैसे हटेगा। अब तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है, अब हमारे जीवन में ये बदलाव नहीं हट सकता है। हाँ मेरे प्रियो, ये बीमारी दूर नहीं हो सकता है, ये समस्या दूर नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। ऐसे ही हाँ प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि मरियम मगदलेनी का भी सोच था, मरियम का सोच था, सालोमी का सोच था कि इतने बड़ा पत्थर को उनके लिए कौन हटाएगा, क्योंकि पत्थर बहुत ही बड़ा था। हम तो वो सोच रहे थे कि पत्थर को कौन हटाएगा, लेकिन मेरे प्रो जब वे आज की इस नई सुबह में जब बड़ी आस्था के साथ में यीशु मसीह की देह की सेवा करें, सुगंध द्रव्य को रखें, मेरे प्रो उनके लिए द्वार खोल चुका है, उनके लिए द्वार खुल चुका है मेरे प्रियो। और वे बहुत ही अचंभित होती हैं कि वे सोच रहे थे ये द्वार कौन खोलेगा, लेकिन ये पत्थर लुढ़का हुआ है। और जब मेरे प्रियो जब वे अंदर जाते हैं, तब वे लोग खाली कब्र देखते हैं, स्वर्गदूतों को देखते हैं, जो कहते हैं कि यीशु मसीह वो जी उठे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज वही जीवित परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन के लिए हर एक बंद द्वार को आज वो खोलना चाहते हैं, आपके जीवन में छुटकारा को देना चाहते हैं, आपके जीवन में मेरे प्रियो उस भारी पत्थर को हटाकर आपको मेरे प्रियो एक आनंद भरा जीवन, एक छुटकारा भरा जीवन को आज वो देना चाहते हैं मेरे प्रियो। वे लोग बड़ी भोर को वो आज के दिन में मेरे पास आज के सुबह में गए थे और उन्होंने मेरे प्रियो द्वार को खुला हुआ देखा। आज मेरे प्रियो इस बात को आप यकीन रखिए, इस बात को आप विश्वास रखिए मेरे प्रियो, कि आज आपके जीवन में नाना प्रकार के आज ऐसे हाँ मेरे प्रियो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, हाँ मेरे प्रियो आज ऐसे द्वार बंद हैं, लेकिन परमेश्वर उसे आज खोलने के लिए आज तैयार है। जब परमेश्वर के जीवित वचन को मनन करते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 8 वचन कहता है कि जो द्वार मैं तुम्हारे लिए खोल दूं, कौन है उसे जो बंद कर सकता है। हाँ प्रियो, वहां पर देखते हैं कि जो द्वार मैं तुम्हारे लिए खोल दूं, कौन है उसे बंद कर सकता है मेरे प्रियो। और इसी तरह से मेरे प्रियो, जब हम मलाकी उसका 4 अध्याय उसका 2 को जब देखते हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है वहां पर कि तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, तुम्हारे लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और तुम उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, तुम नए बल पाओगे, तुम पाले हुए बछड़े के समान तुम कूदोगे फांदोगे। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है जो यीशु मसीह का बार जोते हैं, जो यीशु मसीह के निकट में आते हैं, जो यीशु मसीह की महिमा करते हैं, जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं, वचन कहता है कि यीशु मसीह का जो किरण है उसके लिए मेरे प्रियो उनका किरणें पड़ेंगी, उनके किरणें पड़ेंगी, उनके किरणों से तुम सामर्थ पाओगे, उनके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और तुम पाले हुए बछड़ों के समान तुम कूदोगे फांदोगे। हाँ मेरे प्रियो, पुनरुत्थान की जो सामर्थ है वो आज आपके जीवन को बदलना चाहता है। पुनरुत्थान की जो सामर्थ है मेरे प्रियो आज आपके जीवन के लिए हर एक बंद द्वार को खोलकर आपको एक आशीष भरा जीवन देना चाहता है, आज आपको एक सामर्थ भरा जीवन देना चाहता है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन से हर एक आंसुओं को आज वो पोंछ डालना चाहता है मेरे प्रियो। और जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, हम ऐसे ही कार्य को हम अपने जीवन में हम लोग देखने पाते हैं मेरे प्रियो। और आज वो आशा हम मेरे प्रियो आज आपके लिए और हमारे लिए है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3 और जब 4 को देखते हैं कि यीशु मसीह निश्चय वो जिलाया गया है और मेरे प्रियो स्वर्ग के राज्य में आपके लिए भी हमारे लिए भी एक आशा को दे दिया है मेरे प्रियो। आज उसी आशा विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो। आज बहुत बार आपको और हमको भी लग रहा है कि ये समस्या दूर नहीं होगी, ये बीमारियां दूर नहीं होगी, ये परेशानियां दूर नहीं होगी, हमारे परिवार की परिस्थिति नहीं बदलेगी। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन आज यीशु मसीह आज इस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा आज आपके हर एक बंधन को तोड़ना चाहते हैं। कब्र के बंधन को यीशु मसीह ने तोड़ दिया, मृत्यु के सामर्थ को तोड़ दिया और वही जयवंत परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो आज आपको जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, वो आपको जय के उस उत्सव में लेने के लिए वो मेरे प्रियो आज तैयार है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह के पास आए, हम परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो। आज यीशु मसीह आपको जय के उत्सव में लेने के लिए आज तैयार है। 2 कुरिन्थ उसका 2 अध्याय उसका 14 को देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर हम एक एक को जय के उत्सव में ले चलता है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपको और हमको परमेश्वर जय के उत्सव में आज आपको ले चलना चाहता है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन से हर एक उन समस्याओं को, हर एक बंधनों को, हर एक उस द्वार को आप
आपके लिए खोलना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है मेरे प्रभु कि हम परमेश्वर के निकट आए। जिस तरह से मरियम मगदलीनी आई, जिस तरह से सलोमी आई, जिस तरह से मरियम आई मेरे प्रभु कि वो लोग यीशु मसीह की सेवा करें, यीशु मसीह की सौ को मेरे प्रभु सुगंधित द्रव्य लगा सके। जब वो शास्त्र विश्वास के साथ में आते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं परमेश्वर का बाट जो होऊंगा, जब इस विश्वास के साथ में जब मेरे प्रभु परमेश्वर के निकट आते हैं, नीचे परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करता है, परमेश्वर सामर्थ्य काम को करता है मेरे प्रभु। और निश्चय हमें को जिस तरह से वचन कहता है मलाकी उसका 7:15 पद में कि निश्चय जिस तरह से मिस्र में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य दिखाया था, सामर्थ भरा काम को दिखाया था, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी, परमेश्वर आज आपके परिवार में भी वही सामर्थ के काम को दिखाना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रभु, जो सामर्थ के काम को दिखाया था मिस्र में इसराइलियों के जीवन में, आज वही सामर्थ के काम को, आज वही छुटकारा के काम को, आज वही आशीष के काम को, हाँ मेरे प्रभु पुनरुत्थान की आशीष के द्वारा आज आपके जीवन में करना चाहता है। मेरे प्रभु आज हम परमेश्वर के पास आए, आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम तैयार हो जाएं, परमेश्वर की बात जो है मेरे प्रभु हम परमेश्वर के सामर्थ के काम को अधिकाई से हम देखने पाएंगे। आज हम चाहे जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, आज हम जिस भी दौर से हम गुजर रहे हैं मेरे प्रभु, हर को जो अंधेरा का जो बादल है आपके जीवन से, आपके परिवार से, वो छट जाएगा मेरे प्रभु। हर एक जो बंधन है वो तोड़ दी जाएगी, हर एक जो बंद दरवाजे है मेरे प्रभु वो आपके लिए खोल दी जाएगी मेरे प्रभु। और सचमुच में जब आप पर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, आपको जीवित करेगा मेरे प्रभु, और आपको एक सामर्थ भरा जीवन, आपको एक भरपूर जीवन अधिकाई से प्रदान करेगा मेरे प्रभु। एक हाँ मेरे प्रियो, हम लोग एक घटना को सुनेंगे जैसा मैंने पढ़ा था मेरे प्रियो डॉक्टर मार्टिन लूथर के बारे में। एक दिन डॉक्टर मार्टिन लूथर किसी बात से परेशान होकर, किसी बात से मेरे प्रियो चिंतित होकर, वो मेरे प्रियो अपने घर में बैठे थे। वो बहुत ही उदास थे, वो बहुत ही निराश थे, और मेरे प्रियो उनका चेहरा हम मुरझाया हुआ था। हाँ मेरे प्रियो, और वे बहुत ही दुखित थे, बहुत ही निराश थे मेरे प्रियो, और रो रहे थे। ऐसे समय में मेरे प्रियो अचानक से उसके सामने उसकी पत्नी आई। वो भी काला कपड़ा पहने हुए, काला कपड़ा को मेरे प्रियो वो घूंघट लगाए हुए आई। और जब इस बात को जब डॉक्टर मार्टिन लूथर ने देखा, अपने पत्नी से कहा कि क्या बात है, तुम आज काला कपड़ा पहन के आई है, क्या बात है? मेरे प्रियो उसकी पत्नी ने कहा, काला कपड़ा मैं इसलिए पहन के आई हूँ क्योंकि आज स्वर्ग में जो परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर मर गए हैं, और इसीलिए मैं शोक मना रही हूँ, इसीलिए मैं दुखित हो रही हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मेरे प्रियो तुरंत वहाँ पर मार्टिन लूथर बोलते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर मर सकते हैं? परमेश्वर एक बार मृतकों में से जी उठे हैं, और वो परमेश्वर फिर कभी नहीं मरने वाला है, और वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, और वो कभी मरने वाले नहीं है। मेरे प्रियो जैसे इस बात को मार्टिन लूथर ने कहा, मेरी प्रियो उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा जी, जब आप इस बात को आप महसूस करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं और वो फिर कभी नहीं मरने का, लेकिन वो हमेशा आप जीवित रहेंगे, तो आप फिर किस बात के लिए आप निराश हैं? आप किस बात के लिए आप उदास हैं? किस बात के लिए आप शोक मना रहे हैं? मेरे को उसी समय, हाँ मेरे प्रो, मार्टिन लूथर वो आनंदित हो गया और कहा, अरे वो मेरा परमेश्वर तो जीवित है, वो परमेश्वर तो आज भी मेरे प्रो वो जीवित हुआ परमेश्वर है, तो मैं क्यों शोक करूँ, मैं क्यों निराश हूँ? और मेरे प्रो वो एक बार फिर से वो आनंद से भर गया, वो सामर्थ से भर गया। इसी तरह से मेरे प्रो, अगर आज भी हम दुखित हैं, यदि आज भी हम निराश हैं, यदि हम विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं मेरे प्रो, तो आज हम परमेश्वर की ओर देखें। वो जीवित परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके परिवार को बदलने के लिए, आपके परिस्थिति को बदलने के लिए, आपके मरे हुए रिश्ते को जीवित करने के लिए एक बार फिर से यीशु मसीह मेरे प्रियो आपके पास में है, आपके लिए, आपको मेरे प्रियो वो मेरे प्रियो जय के उत्सव में लेने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो, आपके जीवन में नाना प्रकार की जो मेरे प्रियो आज पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े जो समस्याएं हैं, बड़े बड़े जो चिंताएं हैं मेरे प्रियो, यीशु के नाम से हर एक वो बातें दूर होंगी, और हम यीशु के नाम में हम जीवंत भरा जीवन को हम जीने पाएंगे। दो वचन को बोलकर मैं अंत करना चाहूंगा मेरे प्रियो। पहला प्रेरित क्रिया 16:24-26 पद को देखते हैं मेरे प्रियो, कि पौलुस और सिलास को, हाँ मेरे प्रियो, भीतरी कोठरी में मेरे प्रियो काठ में ठोक दिया गया।
उन्हें मेरे प्रस्तारे द्वार को बंद कर दिया गया। और 26 पद में देखते हैं कि मेरे प्रभु की अचानक भूकंप हुआ और सारे द्वार खुल गए, उनके बेड़ियां खुल गई, क्योंकि वे लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हाँ मेरे प्रभु, निश्चय जो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, जो भी कि उनको बेड़ियों से बांधा गया था, उन्हें भी उनके द्वार को बंद किया गया था, लेकिन जब परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे थे, हर एक द्वार उनके लिए खुल गई। जब आज आप और हम मेरे प्रभु परमेश्वर की स्तुति के लिए जब सामने आते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं, उसकी बात जो होते हैं, उसके निकट में आते हैं मेरे प्रभु, परमेश्वर आज आपके जीवन से हर एक बंधन को, चाहे पाप का बंधन हो, चाहे बीमारी का बंधन हो, चाहे मृत्यु का बंधन हो, चाहे शैतान का बंधन हो, हर एक बंधन को मेरे प्रभु आज यीशु मसीह आपके जीवन से तोड़ना चाहते हैं, आपके परिवार से तोड़ना चाहते हैं मेरे प्रभु। और इसीलिए आज उस आशा के साथ में, उस विश्वास के साथ में मेरे प्रभु हम परमेश्वर के पास आए। निश्चय हम विश्वास जाने वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा मेरे प्रभु, लेकिन पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। उस विश्वास के कार्य को हम अधिकाई से हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए मेरे प्रभु आज हम कभी ना सोचें जिस तरह से मेरे प्रभु लूथर उदास था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा और उसके पत्नी के कथन से मेरे प्रभु एक बार फिर से सामर्थ्य भर गया। उसे स्मरण आया कि उसका परमेश्वर आज भी जीवित है, उसका परमेश्वर आज भी परिस्थिति को बदल सकता है। मेरे प्रभु यदि आज भी आप और हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि आपको लगता है कि ये बीमारी अब दूर नहीं होगा, अब ये जो समस्या है कभी दूर नहीं होगा, मेरे प्रभु हम परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर ने जैसा कहा था कि जो परमेश्वर का बार जो होते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उनके किरणों से तुम प्रकाश पाओगे और तुम चंगे हो जाओगे और तुम पाले हुए बछड़ों के समान तुम कूदोगे फांदोगे। हाँ मेरे प्रभु, हम उस किरने से चंगे होकर हम जय के उत्सव में हम एक नया जीवन को हम व्यतीत करने पाएंगे। तो मेरे प्रभु आज हम परमेश्वर के पास आए। आज हर एक जो दीवारें हैं वो आपके लिए गिरा दी जाएगी, हर एक जो बंद दीवारें हैं आपके लिए खोल जाएगी मेरे प्रभु, और हम एक एक जन परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में अपने परिवार में हम देखने पाएंगे। तो मेरे प्रभु आज हम जिस भी अगर हम परिस्थिति में हैं तो हम परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर के पास में अपने बातों को रखें मेरे प्रभु। वो जीवित परमेश्वर जो आज और कल था, आज भी मेरे प्रभु और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, और वो आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में वो अधिकाई से काम करेगा मेरे प्रभु। तो आज हम मेरे प्रभु इस पुनरुत्थान के इस समय में हम आनंदित हो जाएं। हाँ मेरे प्रभु, हम एक बड़ी आस्था के साथ में हम भर जाएं कि वो परमेश्वर जो स्वयं जीवित में है आपको भी जीवन देंगे, आपके जीवन को भी बदलेंगे, और मेरे प्रभु हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। परमेश्वर हमें को इस वचन में अधिकाई से आशीष देवे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे जीवन का स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके महान दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, कि सचमुच में प्यार पिता आपने उसे, हाँ परमेश्वर पिता कब्र, हाँ पिता परमेश्वर कब्र आराधना के नाम हम एक एक को अपने चरणों के पास आने दिया है। और महान परमेश्वर, जब हम आपके निकट आते हैं प्रभु, सचमुच में हम आपके अद्भुत सामर्थ्य के काम को अपने जीवन में देखने पाते हैं। जिस तरह से महान परमेश्वर मरियम मगदली ने, जिस तरह से मरियम और सालोमी ने आपके अद्भुत कार्य को देखा महान परमेश्वर पिता, कि जब वो आपकी सेवा के लिए, आपके महिमा के लिए जब वो कब्र पर आई थी, हाँ परमेश्वर जो बड़ा पत्थर था, हाँ परमेश्वर वो हट चुका था, वो बड़ा पत्थर हाँ परमेश्वर वहां से लुढ़क चुका था, उनके लिए द्वार खुल चुका था, और महान परमेश्वर पिता निश्चय हाँ आप स्वयं जी उठे थे, आपने उनके लिए एक बड़ी आशा को दिया था। महान परमेश्वर वही जीवित आशा जो आज आपके बाढ़ जोते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी महिमा करते हैं, उनके जीवन के लिए तो पूरा करता है प्रभु। नीचे जब हम आपके निकट आते हैं, हमारे जीवन के हर एक जो परमेश्वर पिता पत्थर हैं, हमारे जीवन की जो हर एक जो समस्याएं हैं, यीशु के नाम से हाँ महान परमेश्वर पिता वो दूर होती है, हमारा रोना हाँ आनंद में बदल जाता है, हमारा निर्बलता सामर्थ्य में बदल जाता है, हमारी बीमारी चंगाई में बदल जाता है। हाँ महान परमेश्वर, आज इसी आस्था विश्वास के साथ हम आपके निकट आए हैं, हम एक एक जीवन को तो ग्रहण कर और हम एक एक को जय के उत्सव में लिए चल, ताकि जब हम आप पर विश्वास करते हैं, हम पुनरुत्थान के सामर्थ्य को, आशीष को हम अधिकाई से प्राप्त करें पाए। इस समय जो भी आपका वचन बोया गया है, वचन की आशीष तो अधिकाई से प्रदान कर, हर एक सुनने वालों को तो आशीष दे और उनके आंखों से उनके आंसुओं को पोंछ डाल और अपने सामर्थ्य भर दे। आज के समय को आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य ग्रहण कीजिए, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, मसीह यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे, अब से सदा लो, आमीन। गाएंगे प्रभु डंडी गीत नंबर 119 को गाएंगे।
और इसी गीत के लगातार में हम लोग सिरनिदान हम लोग उगाही करेंगे, सिरनिदान उगाही करेंगे, हम लोग गीत को गाएंगे प्रूफ डांडी गीत नंबर 119 और इसी गीत में सिरनिदान को उगाही करेंगे हम लोग। हमेर खसड़ा कर खलगी मीना भाई रो, हमेर खसड़ा कर खलगी मीना भाई रो, इस से युजा चो छस इसन माइल कास हो हाय, इस से युजा चो छस इसन माइल कास, मारियम मगदली इरा बार चार, मारियम मगदली इरा बार चार, आयस से ऊजा चूचा सही सन माइल कास हो हाय, इस से ऊजा चूचा सही सन माइल कास, बरा और मर एरा बरा एरा, बरा और मर एरा बरा एरा, इस से ऊजा चूचा सही सन माइल कास मेरे खसड़ा कर खलगी मीना भाई रो, मेरे खसड़ा कर खलगी मीना भाई रो, इस से युजा चो चस इसन माइल कास हो हाय, इस से युजा चो चस इसन माइल कास। हाँ मेरे खसड़ा कर खलगी मीना भाई रो, हाँ मेरे खसड़ा कर खलगी मीना भाई रो, हाँ इस से युजा चो चस इसन माइल कास हो हाय, इस से युजा चो चस इसन माइल कास, मारियम मगदली इरा बार चार, मारियम मगदली इरा बार चार, इसुस जस चूचस इसन माइल कास हो हाय, इसुस उजा चूचस इसन माइल कास। आइए हम लोग अपना परमेश्वर को धन्यवाद दें। सारा हो तुझे सना इसलिए गाता हूँ, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित भी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी के रचने हारा प्रभु, हम एक ही के जीवन का उद्धार करता करने हारा प्रभु, हम सारे मन हो इधर से आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि एक बार फिर कर आज किस दिन को आपने हमारे जीवन में छोड़ा है और महान परमेश्वर हमारे हाथ और पाँव में आपने नया बल नया सामर्थ दिया है। हाँ परमेश्वर हमारे आंखों में देखने के लिए रोशनी दिया है, हमारे सीने में धड़कने के लिए हृदय दिया है और परमेश्वर ऐसा आत्मा दिया है प्रभु कि हम देख बड़े विश्वास के साथ में, हाँ परमेश्वर बड़ी आशा के साथ
में कि तू मृतकों में से जी उठा है। हाँ महान परमेश्वर, हम आपके दर्शन के लिए एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों के पास आए हैं, ताकि महान परमेश्वर वो धर्म का सूर्य हम एक एक जीवन में परमेश्वर प्रकाशमान हो सके, हम एक एक जीवन में आपका वो धर्म का सूर्य चमक सके और उसके किरने से हाँ महान परमेश्वर पिता हम सामर्थ को प्राप्त कर सके, हम चंगाई को प्राप्त कर सके, हम नए बल को प्राप्त कर सके प्रभु, और पुनरुत्थान की सामर्थ को हम अधिकाई से अपने जीवन में अपने परिवार में हम देखने पाए। हाँ महान परमेश्वर, सचमुच में परमेश्वर जब तू जीवित उठा, हाँ परमेश्वर तू अपने शिष्यों से तू मुलाकात किया, अपने लोगों से मुलाकात किया, और महान परमेश्वर जो डर में थे, जो शोक में थे, जो निराश में थे, जो हताशा थे, महान परमेश्वर आपने उन्हें शांति के समाचार को दिया। आपने कहा कि मत डरो, आपने कहा कि तुम आनंदित हो जाओ। ऐसे ही महान परमेश्वर तो आज भी हम एक एक को पुनरुत्थान का समाचार को देते हैं कि महान परमेश्वर हम आप पर आशा कर रखें, हम आप पर भरोसा रखें महान परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है कि जो तुम्हारा शोक है, जो तुम्हारा विलखना है, जो तुम्हारा रोना है, वो आनंद में बदल जाएगा, मैं तुम्हारे आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। महान परमेश्वर, आपने मृत्यु पर आपने जय को हासिल किया है, आपने शैतान के सामर्थ को आपने कुचला है, आपने मृत्यु के सामर्थ को आपने कुचला है, आपने परमेश्वर कब्र के सामर्थ को आपने तोड़ दिया है, और मृत्यु के पश्चात जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आप पर भरोसा रखते हैं, जो आपके निकट आते हैं, परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा करता है। महान परमेश्वर, आज वो आशा दे, आज वो विश्वास दे प्रभु कि हम निश्चय आप ही के बाट जोहने वाले बनने पाए, आप ही की महिमा, आपकी स्तुति करने वाले बनने पाए, क्योंकि निर्गमन 23:25 में आपको वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर, तब वो तेरे अंचल पर आशीष देगा, तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम आपकी स्तुति करते हैं, जब आपकी महिमा करते हैं, तो हमारे बीच में से रोगों को दूर करता है, हमारे बीच में से रोगों को दूर करता है, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, चाहे जैसा भी बीमारी हो, चाहे जैसा भी समस्या हो, हर एक समस्या के ऊपर तो विराजमान परमेश्वर है, और हर एक उस बंधन को तो तोड़ने के लिए तो तैयार है, हर एक उस बंधुवार को तो हम एक एक विश्वासियों के लिए तो खोलने के लिए तैयार है। और आज हम उसी आत्मविश्वास के साथ हम आपके निकट आए हैं प्रभु, तो किसी भी बात में तो लज्जित होने ना दे, लेकिन अपने सामर्थ के काम को तो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में तो अधिकांश तो पूरा कर। यदि महान परमेश्वर आज कोई रो रहे हैं, यदि कोई परेशानी के हालत में है, यदि कोई आज असहाय के हालत में है, यदि कोई आज निर्बल है, यदि कोई आज असहाय बीमारी से गुजर रहे हैं, तो महान परमेश्वर तो जीवन देने वाला परमेश्वर, तो अपने लुहाने हाथों को बढ़ा और पुनरुत्थान के सामर्थ को प्रकट कर, ताकि वो नया जीवन को प्राप्त करने पाए, वो छुटकारा के जीवन को प्राप्त करने पाए, वो चंगाई के जीवन को प्राप्त करने पाए प्रभु। और आप ही के नाम को धन्यवाद, और आप ही के नाम को महिमा देते हुए यीशु नाम की गवाही देने पाएंगे प्रभु, और आप ही के नाम को वो ऊंचे पर उठाने पाएंगे। आज जितने लोग उस कब्र आराधना में जुड़े हैं, आज एक एक जीवन को तो आशीष दे, एक एक परिवार को आशीष दे, और उनके जीवन को अपने सामर्थ्य से, अपने स्वर्गीय आशीष से तो भर दे, ताकि जब आपके निकट बड़ी आशा के साथ आए हैं, उनका आशा यीशु के नाम में पूरा होने पाए, और पुनरुत्थान की आशीष अधिकाई से प्राप्त करने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, आज उन हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, एक एक परिवार में तो डेरा और वास कर, और अपनी शांति से भर दे, अपने आनंद से भर दे, अपने छुटकारा से भर दे प्रभु। और यीशु के नाम में जब वे आप पर विश्वास करते हैं, बहुतायत का जीवन प्रदान कर। हाँ महान परमेश्वर, एक बार फिर के प्रार्थना करते हैं। हाँ महान परमेश्वर, पूरे कलिशिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। अब तक आपने अच्छा भला चरवाहा होकर पूरे कलिशिया को संभाला है, आने वाले दिनों में भी तू पूरे कलिशिया को संभाल और अपने महिमा प्रकट कर। कलिशिया के एक एक अगुओं को, बिशप को, हाँ एक एक अधिकारियों को, पुरोहितों को, प्रचारकों को, एक एक लेमेन सदस्यों को, एक एक परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक एक को तू अपने सामर्थ्य भर दे, ताकि आप पर आशा भरोसा रखते हुए, आपकी महिमा करते हुए जीवन को व्यतीत करने वाले बनने पाए। हाँ महान परमेश्वर, जो भी समस्या परेशानी है, उन हर एक समस्याओं को, परेशानियों को यीशु के नाम में तो आप ही अधिकाई से दूर कर। मेरे खुदावन, एक बार फिर के प्रार्थना करते हैं, आज पूरे देश में, पूरे संसार में जो कोरोना का सामर्थ है, उसके ऊपर भी तू सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आप मृत्यु के सामर्थ को आपने कुचला है। आपने कहा कि शैतान के सामर्थ को तुम्हारे पांव से कुचलवा दूंगा। सामर्थ्य परमेश्वर, आज उस हरेक कोरोना के सामर्थ को कुचल डाल, उनके हर एक सामर्थ को तू नष्ट कर, और पूरे संसार में तू शांति, अमन, चैन दे, आनंद का दे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि सचमुच में
यीशु के नाम से वो बीमारी दूर होने पाए और एक एक जन बहुत आपका जीवन जीते हुए आपकी महिमा करने पाएंगे। जो संक्रमित है, जो परमेश्वर बीमारी अवस्था में है, तो चंगा करने वाला प्रभु अपने लोहानी हाथों से स्पर्श कर और चंगाई का दान दे। जो असहाय है, बेसहारा है प्रभु, उन सबों के जीवन में तू कार्य कर और उनके जीवन को भी तू आप बदल दे। इस समय महान परमेश्वर आपकी सेवा के लिए, आपके महिमा के लिए, आपके दिव्य दान में से, आपके दिव्य आशीष में से हमने मुट्ठी खोलकर, हृदय खोलकर हम कब्र आराधना दान अर्पण किए हैं। उन्हें तू ग्रहण कर, इन्हें तू आशीषित कर, ताकि इस दान के द्वारा आपकी सेवा और आपकी महिमा होने पाए। हर एक देने वाले हाथों को आशीष दे, जिस खत्ते से, जिस भंडार से देते हैं उनके भंडार को तो आप ही भरा पूरा रख। अब तक आपने हमारी अगुवाई किया है, सहायता किया है, आज के समय को, आराधना को, आज के दिन को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। तो हमारे साथ तो हो ले प्रभु, सारी बातों में अगुवाई कर, ताकि आज के दिन को हम आपकी महिमा करते हुए सकुशल व्यतीत करने पाएंगे। जिन बातों को नहीं मांगे हैं हमें के जीवन की आवश्यकता है, तो स्वर्ग के झरोखों से पूरा कर, सारे पापों को क्षमा कर। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पौष माना जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जिसे स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको से बचा, क्योंकि राज्य प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दिनमन होकर त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद वचन ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे अनुग्रहित करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय आप सबों को पुनरुत्थान पर कबर ये आराधना, आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। और परमेश्वर पुनरुत्थान के आशीष आपको और आपके परिवार को अधिकाई से प्रदान करे। आमीन। एक बार फिर कर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 1 2 3 यीशु सहाय।